सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का व्लॉग है वो तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के मालूम पड़ ही गया होगा। यस, तो आज लॉन्च हो रही है RC 390 और जो ये वाला लुक है वो मेरे को जरा ही पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जा रहे हैं क्योंकि देखते हैं ज़रा, क्योंकि न्यू लुक है और फर्स्ट लुक है तो कैसी लगती है वो। हाँ, चेंजेस तो बहुत सारे की गए उसमें और बहुत अपग्रेड हो चुकी है वो अपनी BS3, उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन जो लुक है वो कभी नहीं टक्कर दे पाएगी इसको। तो देखते उधर जाके गाड़ी और क्या क्या फीचर्स है उसके, सब आपको मैं बताता हूँ वहाँ पहुँच के। और 6 बजे का टाइमिंग था और अपने को हो चुका है लेट। मेरे हिसाब से ये शायद से मुंबई की फर्स्ट 390 है जो अपन लॉन्च करने वाले इसको। फटाफट पहुंचते, अब रहा नहीं जा रहा है। और अगर वो 390 अच्छी लग गई तो YT तेरा क्या होगा। तो इतना भगा भगा के फाइनली अपन पहुंच चुके हैं। यस, तो फाइनली आ चुकी है अपने पास RC 390 BS6 और ब्लू और ऑरेंज वेरिएंट में। क्या ही सेक्सी लग रही है बाइक भाई। तो आज अपन इसका करेंगे रिव्यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये 3D लोगो तो क्या ही लग रहा है। ये टाइम KTM लिखने में तो कोई कदर नहीं छोड़ी है। और बात करें तो सीट की, हाँ, ये होती है सीट और अपनी एक RC की सीट है। और पीछे के टायर की बात करूँ तो 150 सेक्शन का मेटजेलर का एकदम मस्त वाला टायर मिल सकता है अपने को। और वही ब्लैक कलर के अलॉय व्हील आपको देखने मिलेंगे ये RC में भी। और बात करें इसकी टेल लैम्प की, तो रुको मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। और ये बस इससे प्यार हो गया भाई हमको, क्या लग रहा है ये। तो बात करते हैं एग्जॉस्ट पे। और यहाँ अपने को अंडरबेली एग्जॉस्ट नहीं मिलता है, साइड वाला एग्जॉस्ट मिलता है। और क्या लग रहा है इसका एक KTM स्टिकर के साथ मफलर ऑफलर सब लगा के दिया है इन लोग ने एटेन तो। और पीछे जाली टाइप दी गई, ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है। और यहाँ रियर ब्रेकिंग मस्त फोल्डेबल मिल जा रही है और ये तो एकदम ही अच्छा काम किया है इन्होंने। और बात करें इसके फ्रंट वाइज़र की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बल्कि लुक दे दिया इसका भी। और ये मस्त दोनों साइड इन्होंने DRL दिया है जो रात के टाइम बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलो मैं आपको इसका पहले इंडिकेटर चालू करके दिखाता हूँ। और क्या ही लग रहे भाई इसके इंडिकेटर, लाजवाब, मज़ा आ गया देख के।
और बीच में आपको मिलती है LED लाइट्स। तो मैं इसको आपको हाई बीम करके दिखाता हूँ। तो आगे की तरफ अपने को WP के USD सस्पेंशन मिल जाएंगे अपने को, और बाइब्री कंपनी के अपने को कैलिपर मिल जाएंगे यहाँ पे। और बात करें इस फेयरिंग और ये स्टिकर की, तो क्या ही लग रहे भाई ये तो, और ऑरेंज ग्रे का कॉम्बिनेशन तो अलग ही है। पीछे की तरफ भी अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा, और सेम ब्रेक की तरह फोल्डेबल गियर भी मिल जाएंगे अपने को। तो अब आ जाते हैं इसके मीटर पे, और यहाँ मिलता है अपने को TFT डिस्प्ले रेडी टू रेस। यहाँ पे देखो कितना मस्त थीम दिया है। तो अभी समझते थोड़े इसके फंक्शन आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से सेटिंग करते हैं KTM माई राइड। यहाँ पे आप ऑडियो कनेक्ट कर सकते हो, पार्किंग पे लाइट्स, और फिर देखते हैं मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल। या आप यस, इसमें मिलता है अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल, और ऑफ ऑन कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। ABS में भी दो मोड, एक रोड और एक सुपर मोटो। सुपर मोटो में काफ़ी मजा आती है चलाने। फिर बात करते हैं इसकी सेटिंग की। तो सेटिंग में भी क्विक शिफ्टर, ये बात बोलना है भूल गया, इसमें क्विक शिफ्टर दिया है भाई। तो क्विक शिफ्टर रख सकते हैं, ब्लूटूथ डिस्प्ले, स्विफ्ट लाइट यूनिट्स, लैंग्वेज थीम्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले समझाने के लिए मेरे को बहुत टाइम जाएगा, तो बाकी का आगे का देखते हैं अपन। तो अब फाइनली सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। क्या बात है, KTM वाले ने भी अपने को अच्छा खासा अभी नाश्ता दे दिया है। ये वेफर बाद में खाते हैं। हाँ, गुलाब जामुन। सो चलो करते हैं ब्लॉग एंड। आई होप कि आपको RC 390 का रिव्यू अच्छा लगा होगा, और थैंक्स आशीष भाई जो हम लोग को बुलाने के लिए। मैं और साहब आए थे आज, बहुत मज़ा आया। सो चलो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।